हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राज्य सरकारी जॉब 24 इमित्रा में। तो फ्रेंड्स, आज के स्टूडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान प्री डिलीवरी काउंसलिंग 2024 के बारे में और इसके जो कॉलेज जो लॉक हैं उसके बारे में। जी हां फ्रेंड्स, यदि आपने काउंसलिंग की जो फीस है 3000 रुपये की फीस आपने जमा करवा दी है, 3000 रुपये की फीस जमा करवाने के बाद आपने जो कॉलेज भर दिए गए हैं, ठीक है, कॉलेज भी आपने भर दिए गए हैं और उसके बाद आपको लास्ट में ऑप्शन आता है सौ आपको यहां पर सेव करने के बाद लॉक का, ठीक है। तो आपको लॉक करना है, कैसे करना है इसके बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। बाकी के कंप्लीट वीडियो आपको बताया गया है कि आपको काउंसलिंग जो फॉर्म है कैसे भरना है, यानी कि पहला स्टेप होता है कि जो 3000 रुपये की फीस है ऑनलाइन कैसे भरेंगे अपने मोबाइल से, इसका प्रोसेस आपको बताया हुआ है। सेकेंड स्टेप रहता है कि आपको यहाँ पर जो कॉलेज भरने होते हैं आपको कॉलेज कैसे भरना है, इसका भी प्रोसेस मैंने आपको मोबाइल से करके समझाया हुआ है बिल्कुल आसान भाषा में, ठीक है। अब लास्ट तरीका आपको यहाँ पर बचता है, ठीक है, काउंसलिंग के दो ही आपको यहाँ पर स्टेप दिए गए हैं। पहला 3000 की फीस जमा करनी होती है, सेकंड आपको कॉलेज भरने होते हैं, ठीक है। कॉलेज भरते समय आपको सेव करने के बाद आपको एक ऑप्शन दिया जाता है लॉक का, उसका मतलब कि यदि आपको उस लॉक कर देते हैं अपने कॉलेज को, ठीक है, लॉक वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं तो उसके बाद आपके कॉलेज में कोई भी संशोधन नहीं कर सकते हैं, यानी कि आपने जो कॉलेज भरे हैं उसमें आप कोई भी बदलाव नहीं कर सकते हैं यदि आपने लॉक नहीं किया है, केवल आपने यहाँ पर सेव किया है, ठीक है। सेव करने के बाद आपने बैक आ गए हैं तो उसका मतलब कि आप अपनी कॉलेज की लिस्ट में बदलाव कर सकते हैं। एक बार लॉक कर देते हैं उसके बाद आपके जो कॉलेज की लिस्ट में उसमें कहीं पर भी आप बदलाव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको ये डिटेल्स प्रोवाइड करवाने वाला हूं कि आपको जो कॉलेज बनने के बाद लॉक चॉइस कैसे भरना है, ठीक है, इसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आपको दिखाने वाला हूं। तो सबसे पहले आपको BSTC की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है, जो कि आपको गूगल में सर्च कर लेना है प्री डिलेड राज 2024.in, ठीक है। यह सर्च करेंगे वेबसाइट पर आ जाएंगे और यहाँ पर आपको जो काउंसलिंग फॉर्म है इसमें आपको क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने नया इंटरफेस आपके सामने इस तरह से ओपन हो जाएगा और आपको जो है ये लॉगिन करने में आपको समस्या आ रही है कि नोट रिकॉर्ड फाउंड का ऑप्शन आ रहा है, तो उसका एक ही सॉल्यूशन है जो कि आपका रिजल्ट आया है, ठीक है। एक तो आपको यहाँ पर चेक करना है कि आपका जो रिजल्ट है, ठीक है, सॉरी फ्रेंड्स, आपका जो रिजल्ट है, ठीक है, आपका जो रिजल्ट आया है रिजल्ट में आपकी काउंसलिंग आईडी आपको बिल्कुल अच्छी तरह से देखना है, आपका जो रोल नंबर है आपका रोल नंबर बिल्कुल अच्छी तरह से देखना है, ठीक है, और इसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ भी आपको यहाँ पर अच्छी तरह से चेकआउट कर लेना है। सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है अपनी मदर्स नेम को यहाँ पर एंटर करने में, ठीक है। तो काउंसलिंग रिजल्ट में आपकी मम्मी का नेम नहीं होता है तो अपने फॉर्म में आपको चेकआउट कर लेना है, फॉर्म में जैसा नेम लिखा है वैसा का वैसा नेम आपको यहाँ पर डालना है। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर किसी के बड़ा अक्षर यहाँ पर पहला अक्षर ये पहला अक्षर है बड़ा लिखा हुआ है, किसी के छोटे लिखे हैं, किसी के सभी अक्षर बड़े लिखे हैं, ठीक है। जैसा सेम टू सेम लिखा हुआ है वैसा सेम टू सेम अपनी मदर्स नेम आपको यहाँ पर इंटर करना है, ठीक है, और इसके बाद पूरी डिटेल्स आपको यहाँ पर डालने के बाद प्रोसीड वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपकी जो टोटल फीस है आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है, घबराना नहीं है, आपने पेमेंट कर दिया है तो आपको दोबारा पेमेंट नहीं करना है। और आपको एक और कमेंट आ रही है कि यहाँ पर पेमेंट फॉर ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, ये ऑप्शन सभी के लिए आएगा, ठीक है, इसमें आपको क्लिक करेंगे। जिन्होंने यहाँ पर 3000 की फीस आपने जमा करवा दी है तो आपको पेमेंट करने का ऑप्शन नहीं आएगा, ठीक है, और जिन्होंने यहाँ पर पेमेंट नहीं करवाई है तो आपको घबराना नहीं है, आपने पेमेंट कर दिया है तो पेमेंट आपको दोबारा नहीं करना है, आपको प्रोसीड टू पेमेंट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आपकी जनरल डिटेल्स देखने को मिल जाती हैं, इसमें कोई भी चेंजेस लगता है तो आप कॉलेज में जाकर अपना जो कॉलेज आपको अलॉट होगा, ठीक है, उसमें जाकर आप उसको भी चेंजेस करवा सकते हैं क्योंकि लास्ट क्रोशन की लास्ट डेट निकल चुकी है, ठीक है। उसके बाद आप कॉलेज में भी संशोधन करवा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको आपकी बैंक अकाउंट की डिटेल्स आपको यहाँ पर डाल देना है, ठीक है, अपने कॉलेज 24 बजे की उस समय आपने डाली होगी, ठीक है, तो इसको अच्छी तरह से चेकआउट कर लेना, कोई भी गलती है तो इसको एडिट कर सकते हैं यदि आपने लॉक नहीं किया है तो। इसके बाद नीचे देखते हैं, यहाँ से मैंने आपको बताया था यहाँ से आपको कॉलेज की लिस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो कॉलेज की लिस्ट आपको सामने ओपन होगी, लेकिन यहाँ पर ओपन क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि यहाँ पर जो सारी की सारी कॉलेज सारी की सारी जो डिस्ट्रिक्ट है मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, ठीक है, जैसे यहाँ पर क्लिक करूँगा तो आपको यहाँ पर देखते हैं लिस्ट सारी कॉलेज आपको सारे जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, ठीक है, सभी मैंने आपको भर लिए हैं, ठीक है। और इसके बाद नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं इसका जो फिल्टर है फिल्टर काम नहीं करता कर रहा है तो आपको इसे नहीं बनना है, डायरेक्ट आपको यहाँ से अपने कॉलेज सेलेक्ट करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है, अवेलेबल कॉलेज में, तो यहाँ पर देखते हैं मैंने ये कॉलेज खाली छोड़ दिए, इनको कॉलेज लिस्ट में नहीं भरा है, ठीक है, ये देख सकते हैं। और यहाँ पर इस वाले बॉक्स में जो आपने कॉलेज भरी है जो आपकी लिस्ट है वही लिस्ट आपको यहाँ पर
देखने को मिल जाती है। ठीक है, यहाँ से कॉलेज यहाँ पर आ चुकी है तो मैं यहाँ पर देख सकता हूँ, यहाँ पर मैंने इतनी सारी यहाँ पर कॉलेजें भर दी हैं। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर एक और ऑप्शन आपको यहाँ पर दिया जाता है, दो का, यस या नो का। ठीक है, यदि राजस्थान में कहीं पर भी कॉलेज लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पर यस वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, अदरवाइज आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। यदि आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपने जो कॉलेज भरी है उसी कॉलेज लिस्ट में से आपको कॉलेज मिलेगा। ठीक है, यदि आप यस वाला ऑप्शन आपको सेलेक्ट कर लेते हैं तो ये अपनी जो कॉलेज लिस्ट भरी है इनमें से यदि आपको कॉलेज नहीं मिलता है तो और राजस्थान में कहीं पर भी आपको एडमिशन मिल सकता है, कॉलेज मिल सकता है। ठीक है, तो आपके अनुसार आप देख लेना है कि यदि आपके कम नंबर आए तो आप यस वाला ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, सेव प्रायोरिटी आपको यहाँ पे इसमें क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे इसके बाद यहाँ पर देखेंगे कि आपकी कितनी कॉलेज भरी हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं डिस्ट्रिक्ट की कॉलेज कितनी भरी हैं, यहाँ पर टोटल 33 डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर भर दी गई हैं। ठीक है, और यहाँ पर कॉलेज कितनी भरी है कॉलेज लिस्ट यहाँ से आप इस तरह से चेकआउट कर सकते हैं। लास्ट में आपको यहाँ पर आएंगे तो टोटल नंबर ऑफ कॉलेज यहाँ पर देख सकते हैं 67 कॉलेज यहाँ पर भरी हैं, क्योंकि इनके 399 नंबर आ रहे हैं तो इनके ये बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार कर लेना है। यदि आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट यदि आपके पास नहीं है तो आपको जल्द से जल्द बनवा लेना है। इसके बाद यहाँ से आपको एग्री वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद दे सकते हैं, मैं एक और सूचना आपको देना चाहूँगा जिन्होंने अभी तक है, ठीक है, जिन्होंने अभी तक यहाँ पर काउंसिलिंग का जो स्टूडेंट्स कॉलेज नहीं भरा है, कॉलेज बनने में दिक्कत आ रही है, अपने मोबाइल में सेव नहीं हो रही है, ठीक है, तो आप यहाँ पर कॉलेज भर लेते हैं। कॉलेज बनने के बाद यहाँ से आप बैक जाकर अपने कॉलेज को दोबारा संशोधन कर सकते हैं। ठीक है, एक और यहाँ पर बताना चाहूँगा, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको दो बॉक्स बताए थे, ठीक है, ये वाला बॉक्स और ये वाला बॉक्स। ठीक है, इस वाले बॉक्स में तो आपको कॉलेज की लिस्ट दी गई है कि इन इस लिस्ट में से देखकर आपको यहां पर कॉलेज सेलेक्ट करना है। ठीक है, और यहां पर आपको ऑप्शन दिया जाता है। ठीक है, यहां पर क्लिक करेंगे, यहां पर क्लिक करते थे तो यहां पर आ जाती है। ठीक है, तो आपको बहुत सारे स्टूडेंट हैं उनको यहां डाउट हो रहा था कि कॉलेज लिस्ट भरी हुई नहीं। ठीक है, कॉलेज की लिस्ट आपको देखने के लिए यहाँ पर आपको क्लिक करना है इस वाले बॉक्स में। ठीक है, तो आपकी जितनी भी कॉलेज भरे हैं उसकी लिस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पर सेव वाली कॉलेज इस वाले बॉक्स में जाकर देखेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर जैसे टिक मार वाला ऑप्शन यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है, इस पर टिक मार करेंगे। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है लॉक चॉइस। ठीक है, इसमें आपको क्लिक कर देना है। ध्यान रखना है कि इसमें क्लिक करने के बाद आप कोई भी संशोधन नहीं कर पाएंगे अपने कॉलेज लिस्ट में। ठीक है, तो सोच समझ पर यहाँ पर आपको लॉक करना है। तो यहाँ पर आप जैसे लॉक करने के बाद जस्ट वहाँ पर क्लिक करते ही आपका जो कॉलेज है काउंसलिंग चॉइस है वो लॉक हो जाएगा और यहाँ पर बॉक्स में आपको देखने को मिलेगा लॉक्ड। लॉक्ड का मतलब कि आपकी कॉलेज चॉइस है लिस्ट है वो लॉक हो चुकी है, आप उसमें एडिट नहीं कर सकते हैं। और इसका प्रिंट आउट निकालने के लिए यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन दिया गया है क्लिक टू प्रिंट का, यहाँ पर क्लिक करके अपने मोबाइल में इसको सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप कॉलेज चॉइस लॉक कर सकते हैं। फिर भी आपको समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में बता देना है ताकि आपको कोई भी गलती का जो समस्या है वो आपको यहीं पर खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो वीडियो में जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स आपको लगातार मिलती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।